वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा विशेष है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुपम तो सुनाया जाए तो उसे बड़ा फायदा होता है। वो उस आदमी हो मरने वाला उसको भी सुनाना सब कुछ मिल जाए। तो भगवान नाम कीर्तन होता है उसे लाभ होता है, जरूर होता है। सुनाने वाला को लाभ होता है, मरने वाले सुनाने वाले लाभ होता है।
वो सुनने में लाभ होता है। ये कथा आती है, ये पुराण में आती है, संत पुराण में और आई है, जहां नाम जप होता है वहां झगड़ा से दूत नहीं आते, अजामलो पाख्यान आता है भागवत छठे स्कंद में, उसमें भी ये बात आई है। जमराज के दूतों ने जाकर जमराज से कहा कि हम तो समझते थे कि आपका समझे घूस होता है, आपका ही राज्य है, परंतु आज हमने वहाँ आपकी बातों को हमारा कुछ सुना ही नहीं, बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया, वो पापी था और भगवान का नाम लिया, वो भगवान का नाम नहीं, उसने अपने पुत्र का नाम लिया और उसके नाम से हमारा तिरस्कार किया, अपमान किया, ऐसी बात हुई है, ऐसी बहुत सी बातें कही। तब तो जमराज ने उस समय भगवान से माफी मांगी कि महाराज मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ क्षमा करें, आगे स्वर वैसा नहीं होगा, अनजान है, ये समझते नहीं, दूतों के तो ये मन में समझी हुई बात थी कि महाराज जमराज अश्व से हुक्म चलता है, इस वास्ते वही बात है को खून काट सकता है तो हमारी बात चलेगी, परंतु भगवान नाम की महिमा के सामने हमारी कुछ नहीं चली। तो भगवान और जमराज ने कहा भाई भगवान का नाम होता है जहाँ वहाँ हमारे राज्य नहीं होता, नाम जब जहाँ होता वहाँ आप जाना मत। तो जमराज की आज्ञा हुई है कि जिस बीमार के पास में नाम जब होता हो तो वहाँ जमराज के दूत नहीं जाते। कर्णवास की बात है, एक बिल्ली के पीछे कुत्ते पड़े, तो खुले कुत्ते को बहुत बड़ी घायल कर दिया। हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, उन्होंने सुनाया सुखी अमृत घायल कर दिया, वो बिल्ली जब तक जीती रही तब दम सांग थे। अरे भाई मनुष्यों को सुना तो सिर्फ कहना ही क्या है, बिल्ली को भी भगवान नाम सुनाया, के नाम सुनाते वहां जमराज के दूत नहीं आते, तो किसी जाति का पशु हो पक्षी हो कोई हो उसको भगवान नाम सुनाना चाहिए, सुनाने वाले को भी लाभ होता है, सुनने वाले को भी लाभ होता है, उनको चेत नहीं हो तो भी फायदा होता है, जमराज के दूत नहीं आते। और एक बात और है कि मूर्छा हो जाती है, लोष्ट काठ शरीर बताया है, जैसे सूखा काठ हो, जैसे लोह हो उपड़ा हुआ हो तो उनको क्या सुनावे, ऐसे लोष्ट और काठ और पत्थर के समान भी हो जाए पीछे थे तो भी नाम सुनाना। एक बात सुनी है कि जब प्राण जाते हैं उस समय में चेत होता है, और चेत होकर के ही प्राण जाते हैं, तो नाम होता रहे तो अंतकाल में उसको नाम सुनाई देता है, इस बार से उसे कल्याण होता है। और कम से कम जमराज ये दूत वहां आते नहीं जहाँ भगवान का नाम हो रहा है, भगवान के पास आते हैं, इस बार से जीव का कल्याण होता है, ऐसी बातें सुनने में आई है। इस बार से मरने वाले को नाम सुनाना चाहिए, छोटा बालक भी हो जवान आदमी हो, कोई बहन हो कोई भाई हो, बड़ा हो छोटा हो, छोटी अवस्था वाली बहना बताए कोई शांत होती हो तो उनको भी हो नाम का सुनाओ। एक बात का ख्याल रखना है कि सुनने वाला भगवान का विमुख न हो, भगवान की निंदा करने वाला ना हो। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान नाम की सुनता नहीं, उस अपराधी को उनको नाम नहीं सुनाना है, इसके सिवाय सबको सुनाना है। भगवान नाम सुनने से सबको लाभ होता है, पर तिरस्कार करता है, अपमान करता है, विरोध करता है, उसको जाते नहीं सुनाना है।
घर वाले विरोध करते हो तो परवाह नहीं करना, घर वाले नास्तिक हो तो भी परवाह नहीं करना, छुड़ाना उसको, अपना अपमान करे, तिरस्कार करे, दुत्कार करे, अपने सह रहा है पर भगवान नाम सुना रहा है, जहां तक अपना बस चले, बस नहीं चले तो खरी क्या, हमारी जब बात चलते ही नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारे विरोध करते हैं तो हम क्या करें, वो लाचारी की बात है। पर अगर बात चाहती हो तो सुना तो चाहिए जरूर, नाम का विरोधी हो वो मरता हो तो उनको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उनके दूसरी पैदा पैदा होती है, वो विरोध करता है, वो चाहता भी नहीं, अनचाह आदमी तो भले ही वो निंदा ही नहीं करता, वंदना ही नहीं करता, आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, तो उसको तो सुनाना चाहिए, परंतु जो ऐसे सुन हो वे ना सुनना चाहे तो भी सुनो, भगवान नाम सुनाने का माध्यम है, उसका लाभ जरूर होता है। भगवान नाम से जमराज ये दूत नहीं आते, नरकों में नहीं जाता, उसे बच जाता है, बड़ी भाई फाद है। और जिसका भाव होता है नाम की महिमा जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, उनको तो भगवान नाम से कल्याण हो जाता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कि उनके भीतर तो मन भाव रहता है ना, तो भाव रहने से, उनके भीतर भाव रहने से भगवान की तो वृत्ति उनकी होती है और बड़े प्रसन्न होते हैं अंत समय भगवान के नाम से। देखो मानव शरीर है ये कल्याण के लिए ही मिला है, और जितने शरीर है वे अपने भोग भोग योनि है, भोग योनि अपने पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए जन्म लिया है, पर मनुष्य शरीर है ये साधन योनि है, ये साधन करने वाले हैं, भगवान का वजन करने वाले हैं, भगवान की तरफ चलने वाले हैं, इस वास्ते इनका जन्म है केवल कल्याण के लिए। संतों ने तो ऐसी बातें लिखी है मानो भगवान के जितने मनुष्य है वे सब भगवत भक्ति के, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है, उनको अधिकारी माना है, केवल मनुष्य जन्म लेने मात्र से उनकी विशेष महिमा गई है, इस वास्ते भगवान का नाम उनको सुना जरूर, उसे लाभ होता है, इस वास्ते भगवान नाम को सुनना चाहिए। जैसे कोई आदमी उद्देश्य हो जिसका ध्यान दे, जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया तो वो किसी तरह भी भगवान का नाम ले रहे तो उद्धार होता है, तो भगवान और जीव का दोनों को विचार होता है, भगवान समझते हैं कि मैंने मनुष्य जन्म दिया और इस जीव ने मनुष्य जन्म स्वीकार किया तो दोनों की इज्जत कैसे रहे, अंत समय में भी मेरा नाम ले तो इनका कल्याण होगा, अंत समय तक वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे दवाई देते हैं, अंतिम श्वास तक दवाई देते हैं, वे कहते हैं जी जाए किसी तरह से ही, जी जाए तो उसी बात है, तो जीने के लिए भी लोग अंतकाल तक विचार रखते हैं, तो मुक्ति का विचार तो रखना ही चाहिए, मनुष्य ही प्राप्त किया है तो उस समय के लिए सब छूट है, वो पहले कैसा ही रहा हो, कैसे ही आसन हुआ हो, कैसे ही भाव हुआ हो, कैसे ही आसन करता हो, परंतु अंतकाल में भगवान के स्मरण करने से मुक्ति होती है, ये सिद्धांत भगवान ने और भगवान के भक्तों ने दोनों ने स्वीकार किया। अगर अंतकाल में भगवान का स्मरण करना होता तो मुक्ति हो जाए, तो भगवान का मनुष्य जन्म देना और जीव का मनुष्य जन्म देना सफल हो जाता है, अंतकाल अंत अंतिम अंतिम श्वास, अंतिम श्वास तक ये प्रतीक्षा होती है, किसी तरह से भगवान की याद हो जाए तो भगवान समझते मेरा जन्म देना और जीव का जन्म देना सफल हो गया, तो इस वास्ते अंत समय में छूट है,
पहले आसन कैसे ले हो? दोनों तरह से कल्याण होता है। अपने जीवन में जैसे आसन हो उस अनुसार गति होती है, परंतु अंत काल में ये छूट दी गई है कि कैसा ही प्राणी हो, कितना ही पापी हो, अंत काल में तो भगवान हो जाए तो उसी कल्याण हो जाता है। गीता के सातवें अध्याय में अधिदेव अधिभूत अधिदेव्य अगर ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये सब बातों को जानने वाला अंत में मेरी याद करते सात बातें गई। सात ही आठ अध्याय प्रश्न किया और सातों का ही उत्तर दिया। अंत काले मामेव स्मरण उत्पादे ब्रह्म, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वैर भाव को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। नास्ते तो संशय, गीता में दिखा इसमें संदेह मत रखना। अंत काल में भी भगवान का याद आ जाए तो भी उसका कल्याण होता है। अंत काले से मामेव स्मरण उत्पाद करे ब्रह्म ये प्रयादी से बदलाव व्यास थे नास्ते तो संशय, इसमें संदेह मत करना। संदेह यूं होता है उम्र भर में अच्छा काम नहीं किया, बुरे रस्ते ही चलता रहा, पाप ही करता रहा, अन्याय अत्याचार करता रहा, तो अंत काल की मर्जी के अनुसार होती है गति और उम्र के किए हुए पापों का वह भोग करना पड़ता है उस जन्म में, परंतु भगवान नाम अंत में ले तो उनकी गति सदगति होती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों का और भगवान नाम का मेल नहीं है, यो शक्ति नहीं है। जैसे आप समझो कि एक शेर भर रुई हो उसके एक दिया शाही से खत्म हो जाए तो मन भर रुई के लिए सारी दिवसा चाहिए, क्यों शेर भर के लिए एक दिया शाही? कहते एक दिया शाही बोले सोमण हो कितनी हो ये मापदोल नहीं होता, अग्नि कितनी है रुई कितनी है। अरे रुई अग्नि उतनी है, उतनी कम नहीं करती, वो रुई सब ही अग्नि बन जाती है। अग्नि की सहायता करने वाले घास है रुई है जो सामने होते हैं वे सब के सब अग्नि की सहायता में मिलकर सब अग्नि बन जाते हैं। सब अग्नि बन करके नाश कर देते हैं तो वो अग्नि की छोटी सी चिंगारी एक दिया सलाई है वो एक सिंगारी नहीं रहती। जितना घास है जितनी रुई है जितने सामने बढ़ने वाली चीज है वे खुद ही नाश करने के लिए बन जाती है और वह बन जाती है। इस वास्ते भगवान नाम है इसके पाप कितने हैं, उम्र भर पाप किए हैं तो इसे तोल नहीं होता माप तोल। जैसे आपके सामने माप तोल नहीं होता कि अग्नि कितनी है और रुई कितनी है, इतने रुई का पाप नाश कर देगा अग्नि, पर रुई ज्यादा हो तो अरे ज्यादा क्या हो, वो रुई खुद अग्नि बन जाती, खुद ही अग्नि की सहायता करके स्वयं आग बन जाती है फिर सबका नाश कर देती है। तो उसे कल्याण में उसे उद्धार में सब वर्ण करने में क्या संदेह है, ये संदेह बात है। इस वास्ते ये माप तो नहीं होता कि इतने उम्र पाप की है भगवान नाम है, तो अग्नि की माप तो नहीं है कि इतने रुई को तो पाप अग्नि जा सकती है, इतने ज्यादा वो क्या करेगा, अरे कितने हो, वो सब के सब रुई खुद आग बन कर गए खत्म कर देती, खुद आग बन देती। इस तरह से भगवान नाम की महिमा गाई है कि भगवान नाम ही उनको सब जानने वाला हो जाता है और उनके विरुद्ध रहने वाले पाप ही सहायक हो जाते हैं, सब अग्नि बन जाते हैं, सब जल जाते हैं, सब जला देते हैं। इस वास्ते ये माना नहीं है कि कितने कितने अग्नि हो, हस्ती तरह अंकुश अंकुश है क्या है, अंकुश छोटा सा होता है, हाथी बहुत बलवान बड़ा होता है परंतु वो अंकुश है उसी वश में रहता है हाथी। ऐसे तेजो यश विराज तेज बलवान स्थूल है झुका पत्ते स्थूल हो कितना ही हो उसे क्या, वो गलती थोड़ी होती है, अग्नि थोड़ी सी है, थोड़ी सी अग्नि है कैसे इतनी रुई लग जाएगा, इतने घास को कैसे जाएगा, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी है, अरे भाई थोड़ी सी है नहीं वो रुई खुद ही आग बन जाएगी,
का श्रुति अग्नि बन जाएगी, वह सभी सहायता बन जाएगी, वह अग्नि पक्ष में हो जाएंगे। ऐसी नहीं अग्नि जलाती है तभी विपक्ष में रहने वाली रुई वो अग्नि नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है, वो सभी अग्नि रुई। ऐसे भगवान नाम है उसमें ऐसी महिमा है। ऐसी मना क्यों है ऐसी, देखो एक सिद्धांत की बात है। आदि में पुराने परमात्मा एक ही थे पहले, ये परमात्मा से ही सृष्टि बनी हुई है, सब सृष्टि जितनी है भगवान से बनी हुई, भगवान से ही। गीता में साफ आया ये चैव सात्विक भाव, राजसास तामसा से राज भाव तामस भाव मते सब मेरे से होते, सात्विक भाव मेरे से होते हैं, राजसी भाव मेरे से होते, तामसी भाव मेरे से होते हैं, भगवान से ही सब बनते हैं। तो सबके सब भगवान से बने हुए भगवत स्वरूप ही है, हम उसको पहचानते नहीं। ये दुख दोष आपत ये पीछे से आया हुआ है, ममैवांश जीव लोके का है, ऐसे ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी, इसमें सहज स्वाभाविक ऐसा है। तो स्वाभाविक मात्र जितनी सृष्टि है वो सब भगवान से प्रकट होने से वो भगवत स्वरूप ही है। अब भगवत से विरुद्ध बातें आने से विरुद्ध में वे सब के सब पापी बन जाते हैं, सात्विक बन जाते हैं, राजसी बन जाते हैं। परंतु जब भगवान की बात आवे साथ में, भगवान का नाम आया, भगवान की स्मृति आई, भगवान को याद किया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान के नाम उच्चारण की घोषणा की, उस समय में वो शुद्धि है, शुद्धि सबकी सभी भगवत स्वरूप हो जाती है। जैसे रुई के आग लगने से रुई खुद ही अग्नि बन जाती है और वो ही खुद ही जलाने लग जाती है, इसी तरह से सब सामग्री सब ही उसका स्वरूप हो जाती है, क्योंकि मूल में परमात्मा ही है, मूल में दूसरी चीज नहीं है, परमात्मा ही तो अनेक रूप से बने हुए हैं। तो परमात्मा ही बने हुए हैं, वो सामने परमात्मा की बात आते ही तो परमात्मा स्वरूप होने रूप हो जाते हैं। इस वास्ते अग्नि लगते ही अग्नि की सहायता करने वाला घास है और वो रुई है, सब अग्नि बनकर अग्नि की सहायता ही करते हैं, ऐसे नहीं भी अग्नि रुई बनकर के रुई की सहायता करे, ऐसा नहीं होता। घास है वो अग्नि कोई घास बना दे, घास बन करके घास की सहायता करे, ये नहीं होता। क्यों से भगवान का नाम है ना, भगवान का साक्षात नाम है, जिस भगवान के नाम से आकर्षण होकर भगवान नीच ग्रह भी नीच घर में आ जाते हैं, भगवान कोई नाम लेता है तो। जैसे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाने वाले राम जी उद्देश्य भी ये समझते हैं, सुबह सुनाया था ना, मुनि जन्म मिलन विशेष मन सब ही बात हित मोर, तो मुनि जन्म मिलने के दे गए और सभी जन्म हित मोर है, मेरा हित है। परंतु सबरी से मिलने के लिए गए तो मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए, से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़ करके ही सबरी के पल जाते, क्यों, वो भगवान के ध्यान में मस्त है, भगवान के आने की बात सुनी तो उसे आनंद ठिकाना नहीं रहा। ऋषि मुनि सभी चाहते थे, भगवान के सभी उत्सुक थे, परंतु उसने गुरु के वचन सुने, मतंग ऋषि की बातें सुनी हुई गुरु मेरे मन में आई, और रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे तो सबरी शकुन मनावे, मेरे घर राम आएंगे, राम जी आएंगे मेरे घर आएंगे, खुशी बहुत समय नहीं, खुशी इतनी मस्त हो गई, बहुत दूर तक फूल बिछाए, बहुत तक रात्रि में जागती रहती, पशु पक्षी भी दौड़ते, कोई जानवर भी दौड़ते, और पत्तों में शब्द होता तो चलती, भगवान आ गए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। तो ऐसे भगवान का चिंतन करने वाली सबरी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत बदल करने वाले उन सबसे तेज होगी, क्यों प्रतीक्षा ही कर रही थी वो, तो प्रतीक्षा में चिंतन भगवान का ही होता है,
और तीन दिनों क्या होते भगवान यही सुन सभी विश्वास थे उसका सब समय भगवानमय हो गया, उसके विचार सब भगवानमय हो गए, वो भगवत स्वरूप हो गए सबके सभी। इस वास्ते भगवान नाम की महिमा अपार है। गोस्वामी जी महाराज राम बोला थे, सुना है कि जब महाराज का जन्म हुआ तो पहले राम राम ऐसे बोले थे, इस वास्ते उसका नाम राम बोला रखा। तुलसीदास नाम तो पीछे हुआ, राम बोला नाम था। और राम जी के अनन्य भक्त हुए, वे खुद कहते हैं कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, सर्व समर्थ भगवान श्री राम, उनके विषय में कहने वाले राम जी के अनन्य भगत, वे भी कहते हैं राम जी के नाम का गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। जैसे कोई धनी आदमी हो, कितने धनवान है कि इतना धन है जो इन खुद को पता नहीं हमारा धन कितना है, मेरे संपत्ति कितनी है, धन कितना है खुद को पता नहीं है। ऐसे राम जी को खुद को पता नहीं है कि नाम की महिमा कहाँ तक है, कहाँ तक है। रामन सक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में नाम की महिमा करने में भगवान स्वयं भी समर्थ नहीं है। रामन सक ही नाम गुण गाई, ऐसी नाम की महिमा अपार है, असीम है, अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है। तो नाम के गुण गाने में गोस्वामी जी महाराज राम जी के अनन्य भगत, वे अपने इष्ट देव तो भी असमर्थ बता देते। ध्यान दे आप लोग, राम जी के अनन्य भगत गोस्वामी तुलसीदास महाराज, नाम धम राम न सको ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, मानो इनकी महिमा अपार है। जो अपार हो उसको अपार ही समझे तभी तुम्हें समझ लू। अपार महिमा को अगर पार बार समझ ले तो वो जानकार नहीं हुआ। राम जी जानकार, इस बार से नाम न सके ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, मानो अनंत महिमा है, अपार महिमा है। जहाँ नाम का प्रकरण आया है रामायण में 18 अध्याय 18 श्लोक है, 19 श्लोक से 27 श्लोक तक नौ दो है कहें तो 18 में दो से लेकर ले 9 दोहों में नाम की महिमा गई है, नाम की वंदना। तो 9 प्रसार हो गए, 9 × 27 होते हैं, तो 18 में दो है कि 27 में दो है, 9 दोहों में कही है। गोस्वामी जी महाराज अनेक की विशेष बात कहना चाहते हैं तो 9 संख्या होती है उनकी। खर सज्जन हित 8-9 अंक समान विचार, दुगुण त्रिगुण पुण्य चतुर्गुण भट्ट रहते एक साथ। 8 × 8 का अंक 8 16 होता है, तो 16 और 1 6 होता है, 16 7, तो 1 घटता घटता फिर 8 आ जाएगा। 8 होकर फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1 ऐसे घटता है। मगर 9 की संख्या 9 की 9 ही रहती है पूरी, 9 × 2 = 18, तो 8 × 9 9 × 3 = 27, तो 2 × 2 = 7, 9 दो गुणी करो, चतुर्गुणी करो, 5 गुणी करो, 10 गुणी करो, 50 गुणी करो, 100 गुणी कर दो, 80 गुणी करो, 100, 200, 500, 1000 गुणा करो, अंत में 9 × 9 = 9 पूरी 9 की संख्या घटती है नहीं कभी। सब अंक मिलाओगे, सब अंक मिलाओ 9, सब अंक मिलाओ 9, पूरी 9 की 9 से क्या रहती है, क्यों राम 9 भी होती है। 9वें के दिन रामचंद्र जी महाराज ने अवतार दिया है, तो गोस्वामी जी किसी की महिमा कहें कहेंगे तो 9 2 लेंगे, ऐसे 9 उदाहरण देंगे, उपमा 9 उपमा देंगे। रामायण में ऐसा ख्याल रखते हैं क्योंकि 9 की संख्या अटल है, 9 ही संख्या है, 9 के बाद भी नहीं है, बस संख्या 9 ही है, और क्या है बताओ। 9 अंकों के सिवाय
कितना ही आप लिखो, आकर नौ भी लिखो भाई, और क्या लिखो बताओ, अरबा खरमा लिखते हुए अंक तो नौ ही लिखोगे, अगर बिंदी आ जाएगी दसवें तो बिंदी आ जाएगी और समाप्त होगी सुन आ गई। तो इसी तरह से नौ की संख्या है, तो नौ का पाड़ा ऐसा है उसमें आप हजारों गुना दसवें होना पचास रहना करने की सबके नौ नौ तीस तेईस चौदह छत्तीस नौ सौ पच्चीस पैतालीस पचास पांच नौ सौ बनी सौ पंद्रह दोनों में अंक मिला, सब जितने अंक हुए उन अंकों को मिला फिर नौ नौ अटल रहता है, अटल अपन सदा अटल रहेगा नौ संख्या। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज नौ दो हमें नाम भी मेमा कहते हैं, इस वास्ते जिंदगी बाप होती तो नौ संख्या को लेते हैं गोस्वामी जी महाराज। तो नौ संख्या पूरी संख्या है, नौ से अगर ही कोई अंक नहीं है क्या अंक देखो बताओ, अगर बिंदी आ जाएगी बिंदी समाप्ति का चिन्ह है कि समाप्ति भाई सुनना है सब। तो इस तरह से शून्य है वो शून्य आगे आगे लगती जाएगी, दस गुना होते होते दस गुना बजेंगे, एकम सतम सहस्रम एकदम सदा सहस्रम एकदम एकदम सदा लक्षण से लक्षण अर्बुद वेहू से खर्व से शंख पद से सागर अंत मध्य परार्धन से दस विद्या यथा क्रम दस दस एक दस गुना होता है, दस गुना एक है दस गुना फिर दस से दो दस दस है फिर दस गुना एक बिंदी लगी दस गुना एक बिंदी लगी दस गुना फिर दस गुना दस गुना होते ही चला जाता है। बड़ा एक का सता है बड़ा एक का वो बड़ा एक है छोटा एक है बड़ा एक है एक एक दो लेकर तेती है लेकर तेवसर चार सो है सबसे पूर्ण पूर्ण पच्चीस चार सौ छत्तीस सत्ताईस लंबा जो लंबा के फिर बढ़ता ही चला जाएगा बढ़ता ही और नहीं आता है उनमें सब में अंक नौ का नौ नौ के सिवाय अंक लिख नहीं सके मैं लिखो नौ ही अंक लिखो गए मैंने भी नौ ही लगे कौन क्या लगा रही कहाँ लगा रही। तो इस वास्ते नौ संख्या है तो राम नाम की महिमा के राम वंदना की है, राम वंदना के नौ दो है, नौ का तात्पर्य यह है भाई इसे पार नहीं पाता है दुगुण तिगुण चौगुण पूर्ण पश्चिम अटल रहेगा है जो के जो रहेगा कम नहीं होगा होगा ही नहीं कटाई होगा नौ किसी का पूर्ण। तो इस तरह से नाम की महिमा गोस्वामी जी महाराज कहते स्वयं रामन सगई नाम गुण गाई, ये बहुत विलक्षण बात कही है, अपने खास इष्ट देव को नाम की महिमा बताने में असमर्थ बता देते हैं। राम जी भी नहीं कह सकते इतने नाम की महिमा है, तो नाम की महिमा है किसी को दिमाग में सुना हो भाइयों से बहनों से हमारी तो एक प्रार्थना है किसी भाई का प्राण जाता हो तो भगवान नाम सुनो बड़ी भारी महिमा है, पर अपने खुद भी जाए लग जाए मंगल पुकार सुनाओ भाई नाम सुनो नाम सुनाओ, ये तो लोगों में बहम रहता है कि बीमार हो गया नाम सुनावे तो मर जाएगा नाम सुनाओ तो मर जाएगा भाई नाम सुनाओ मर जाएगा, तो ऐसा बहम मत रखो। कलकत्ता में परम सेवा समिति है नाम सुनाने के लिए, यहाँ भी बने तो अच्छा है। कलकत्ते गोविंद भवन में ऐसी एक समिति बना रखी है, वह में अलग अलग अपना समय दे रखा है, वो व्यापारिक व्यापारिक क्षेत्र है, इस वास्ते कहते एक बजे माया दो बजे दो दो घंटा दो दो घंटा अपना नाम लिखा रखा है कि उस बजे में हम जाएंगे। मोहल्ला जी पटवारी थे वो लिखा था बारह बजे का रात्रि को बारह बजे हम जाएंगे, तो बहुत आदमियों की बारह बजे मृत्यु हुई उनके सामने क्यों उत्साह ऐसा था कि जो करना समय हो जो समय दूसरे नहीं लेता हो ऐसा समय हमारा दो उस समय हम जाएंगे हम सुनाएंगे, तो उस उनको ऐसे मौका मिला तो कई आदमियों का मौका मिला ऐसा। तो इस तरह से कोई समाचार कर दो गोविंद भवन में वो नंबर दिया हुआ है
उनके जो फोन नंबर क्या हुआ, पैसा वो समझ दे दो, आपसे आप जाते वहाँ घर वाला कुछ नहीं रहना, अपने निरंतर नाम सुनाते बीमार है उसके पास में, और कोई घर वालों को खर्चा नहीं, कोई उनको भोजन का आदि का कोई प्रबंध करना पड़ता नहीं, जो तो अपने भाई आए दो घंटा नाम सुना दे, दो तीन आदमी दो घंटा में गए, दो घंटा फिर दूसरे दो घंटा, सब की आदत बारी लिखी हुई, इतनी बारी में हम खाएंगे, ऐसे संबंधी बनी हुई वर्षों से, उसमें दो तीन भाई विशेष उत्साही आदमी है, जो कोई कोई नहीं हो तो हम लोग, जो समय खाली हो हमारे को दे दो, उस समय हम सुनाएंगे, ऐसे उत्साह है उसमें, अगर उचित समझो तो आपके गांव में भेजा करो, अपने गांव में भी ऐसी एक सम्मति बढ़ाओ कि जिसमें सब उत्साही होकर के और बनाए करे, और अपना नाम दे दो, अपना ठिकाना दे दो, अपने फोन नंबर दे दो, कोई कहीं बीमार हो तो हमारे नाम बताओ, और कहते हो नाम पर जो जो आदमी काम करने वाले नाम में नाम सुनाने वाले उन लोगों ने अपना अपना फोन नंबर दे दिया कि भाई हमारे को सूचना कर दिया हो, अमुक फोन नंबर में अमुक आदमी बीमार है उसके पास जाना है, तो सब के सब आपसे आप ही अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे, आठ ही बोल भगवान का नाम सुनाएंगे, उनका काम यही है, उनकी संपत्ति यही है, कोई अपन सुना दे दे उसमें भगवान नाम सुनाना, भगवान नाम सुनने कल्याण करना, ऐसे गीता प्रेस में जो काम करते हैं, जितने काम करने वाले हैं उनके पास एक आदमी रहता है, वो भगवान का चित्र हाथ में लिया हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करता है, सबके पास जाएगा, जो गीता प्रेस में काम करते हैं वो जब देख लेगा सब नमस्कार का, जब तक नमस्कार न करे तब छोड़ते नहीं, तो पास में खड़ा रहेगा करेगा तो नमस्कार तब कर देगा, हरे के सामने भगवान का नाम याद रखो, भगवान की स्मृति रखो, गीता प्रेस में काम करते हो तो काम धंधे वाले देखो नौकरी, नौकरों को काम धंधा मिल जाता है, नौकर को तो काम धंधा मिल जाता है, काम धंधे वालों को नौकर मिल जाता है, पर भगवान का नाम कहाँ मिलेगा, पहले कहते सदैव स्तुति करके कर वंदन तेरे चरणों में लगता हूँ, तेरे काल पालन करने को तो आ गया, मैं नहीं उतरता हूँ आज, ये स्तुति करके फिर भगवान मिलते हैं, थोड़ी देर स्तुति करेंगे, स्तुति बन के पांच लोग गीता का पढ़ेंगे, पढ़ करके उसके बाद में फिर काम में लगते हैं, सदा गीता पेश का समय, पेश के समय में सैकड़ों आदमी उतना उतना तो प्रार्थना प्रार्थना भगवान नाम कीर्तन करके फिर अपने में जाओ लोग काम, ऐसा गीता प्रश्न है, मेरे काम बड़ा है, और दोपहर के समय जब छुट्टी होती है आधे घंटा की विश्राम आराम की, उस वक्त में सत्संग करते थे, मैं रहा हूँ तो मैं कहते सुनाओ, तो मैंने ऐसी बातें सुनाई है, ऐसे कहो आप मशीन के चलते गए चलते में भगवान नाम करते करते ऐसे हो जाओ उसमें तर ले मशीन चलती रहे कल दिए ही थी, ऐसे हो जाओ, ऐसा हुआ तो नहीं, पर तो कहा था मैं तो मालिक बुला ना देगा तो मेरे को देंगे, ये तुमने ये कहा कि हमारा काम बंद हो जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं, मैं तो ये कह दिया था आप ऐसे तल्लीन हो जाओ नाम में मस्ती में जो काम छूट जाए, अरे भाई भगवान नाम है असली साथ में चांदनी पूंजी है, ये लोग पूंजी कमाते हैं वो पूंजी यहीं रह जाती है और खाली चले जाते हैं, तो नाम रूपी संग्रह करो धन पूंजी साथ में चला, सबसे बढ़िया भगवान नाम है, सूरदास इतनी पूंजी नहीं रतन मनीष नहीं कहा, माई मेरे निर्धन को धन राम, निर्धन को धन राम, माई मेरे निर्धन को सुनाओ भाई सुना दे, माई रे मेरे निर्धन को धन राम,
धन को धन राम माई माई रे मेरे निरधन को धन राम हर से न खूटे चोरन लूटे हर से न खूटे चोरन लूटे भीड़ पर आवे काम माई रे मेरे भीड़ पर दिन सूर सवायो ही उगे दिन दिन सूर सवायो ही उगे घट तन एक छदाम माई में घट तन एक छदाम माई में निरधन को धन राम माई राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम नाम मेरे हृदय राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम नाम मेरे राखे दाम माई रे मेरे जो लो भी राखे दाम माई रे मेरे निरधन को धन राम माई रे मेरे निरधन को धन राम सूरदास के इतनी ही पूंजी सूरदास सूरदास के इतनी ही पूंजी सूरदास इतनी पूंजी रतन मणि से नहीं काम माई में रतन मणि से नहीं काम माई में निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम तात्पर्य ये नहीं है कि निर्धन का धन है मानो निर्धन हो तो धन है धनवान हो तो धन है धनवान का धन धन काम नहीं आएगा धनवान का धन मुक्ति में काम नहीं आएगा ये संसार के काम आता है इस वजह से निर्धन को धन राम बताया है ये नहीं है कि निर्धन का धन राम है धनवान का धन है उल्टे पैसा है ये तात्पर्य नहीं है से क्या काम हुए लाखों रुपया करोड़ों रुपया अरबों रुपया हो तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी कल्याण थोड़ी हो जाएगा उस रुपया से रुपया तो व्यवहार में काम आता है और साथ में कौड़ी एक चलता नहीं रुपयों के लिए व्यापार किया झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करके रुपया कमाए रुपयों को इन शर्म नहीं आती कि मेरे लिए इतने झूठ कपट किया है तो इसको मैं त्यागू नहीं झूठ कपट वाले को त्याग करेंगे तो बाबा जी हो जाता है मनुष्य कंगला हो जाता है रुपये चल देते हैं ये शर्म नहीं आती कि मेरे लिए झूठ कपट किया है मैं छोड़ू नहीं वो क्या समझे अरे जड़ है वो क्या समझे इस बात को आप लोग इतने मोहित हो जाते हो और धन के लिए झूठ कपट नहीं माने किस तरह से झूठ कपट करते हो
तो निर्धन का धन राम का तात्पर्य कि असली धन निर्धन हो तो धन ही असली है, धनवान तो भी धन ही असली है, ये सब निर्धन है। कबीराज सब जग निर्धना, कबीराज सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, लाखों रुपए हो और अरबों रुपए हो तो कबीराज सब जग निर्धना, सब निर्धन, सब निर्धन, मरे तो कोटि एक साथ चलेगा नहीं। सिकंदर बादशाह था, उसने रुपये इकट्ठे किए, कबीरों में से निकाल दिए और कहीं मसाना में से नहीं कोई रुपये हो तो ले आओ, इकट्ठा किया। जब वो मरने लगा तो उसने कहा, देखो यार हमारा जनाजा बनाओ, जनाजा बैकुंठी, जनाजा कहते जनाजा, वो बैकुंठी बनाओ तो हमारे हाथ पा रहना, हाथ हाथ पा रहना। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, मुहैया घर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, साहब कौड़ी एक पास में नहीं थी, रुपया इकट्ठा कर दिया तो धन काम नहीं देता, ये धन काम देता है, ये धन साथ रहता है। रुपया तो कौड़ी एक साथ रहता नहीं और भगवान नाम कौड़ी एक ही पीछे रहता नहीं। भाई भाई अगर बंटवारा करते हैं तो धन का बंटवारा हो जाता है, भगवान नाम का बंटवारा नहीं होता। कि तूने नाम लिया है तो भैया बंटवारा करो, ये धन जो लेता है धो कमाता है उसी का ही रहता है, दूसरे का आता ही नहीं। वो उसे प्रेम से लिया है इसको कौन ले सकता है। दूसरा धन झूठ कपट कर दो धन के लिए, वो तो रहता है भीतर जमा, धन होता है बैंकों में, तिजोरियों में, बक्सों में, पाकिटों में, धन तो यह रहता है, मरते है तो साथ में पड़ी सुनता हुई। और झूठ कपट के लिए पाप किए, अन्याय किया, वे अन्याय सब होता है अंतकरण में भीतर जमा, वो कौड़ी एक पीछे रहता थी। झूठ कपट, जासादी, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ऐसे पाप किए वे सब जमा होते है अंतकरण में, तो मरे तब कौटिये धन तो रहते साथ चलता नहीं, अरे पाप पीछे रहता है, सब ऐसा पाप होता साथ। लोग समझते नहीं इस बात को, इस बात से धन के लिए झूठ कपट बेईमानी करते हैं, कमाते हैं, यूं नहीं समझते कि साथ चलेगा ये सब पाप, महान दंड भोगना पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा। धन को ऐसे मत करो, परंतु लोग समझते हैं मोह है, मोह ये धन से मोह पैदा होता है, अज्ञान मूर्खता, मूर्खता से खुद को ये पता ही नहीं है कि हम धन कमाते हैं, हमारा काम बिगड़ रहा है, स्वयं स्वयं जान जान कर ही अपना काम बिगाड़ते हैं और नरकों का रास्ता सोते हैं, इसलिए काम करते हैं। तो इस वास्ते धन है वो तो भाई बड़ा नहीं है, धनी आदमी धन के तत्व को जानते नहीं, वो धन को ही बढ़िया मानते हैं। जब उत्तर से चलते हैं तो विनाश का ले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, धन को ही समझते हैं, धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, झूठ कबर करो, अरे भाई धूल झूठ कबर सब साथ में चलाएगा, साथ में, अरे धन की कौड़ी एक साथ चलेगी, एक सदम भी साथ चलेगी नहीं, अरे पाप है कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, धन का बंटवारा होगा पापों का बंटवारा नहीं होगा। ऐसे ही भगवान नाम लिया है उसका बंटवारा नहीं होता, न राज हार्यम न चोरी चोरी देते नहीं, डाकाश में पड़ता नहीं, राज टैक्स लगा सकते नहीं, भाई भाई अलग होते बंटवारा होता नहीं, और न जो भारकारी और बाहर बोझा होता नहीं कि साथ में कुछ चीज ले तो भार होता है, नोट दो तो नोटों का भी भार होता है, इसका भार वृत्ति नहीं हो, भार होता नहीं, असली धन होता है साथ में चलता है और मुक्ति देता है, कल्याण करता है, उद्धार करता है। जिन लोगों में जाते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं कि भगवान का नाम लेने वाला है, संत आए, महात्मा आए, हमारा देश पवित्र हो गया है। जिन देशों में होकर जाते हैं वे देश लोग अपना पवित्र समझते हैं कि भगवान नाम लेने वाला है,
यहाँ पर धनी आदमियों को तो असर लगता है, पर भगवान नाम को देखने वाले यहाँ हाजिर नहीं देख रहा, भजन करने वाले बातें करते हैं पर सब लोग जानते नहीं, पर भगवान के दरबार में भगवान नाम लेने वालों को स्थान मिलता है ऊंचा, वैसे अच्छे अच्छे आदमियों को ऊंचा स्थान नहीं मिलता, ऐसा ऊंचा स्थान मिलता है नाम दरबार में। ये भगवान के प्यारे होते हैं। एक संसार जन्म मरने के चक्र में चला हुआ संसार है, एक ईश्वर से उद्धार करने वाला भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम भगवान तरफ ले जाने वाला, मुक्ति तरफ जाने वाला है, और धन संपत्ति वैभव ये सब संसार की तरफ ले जाने वाले नरकों में ले जाने वाले हैं। धन में वो शक्ति नहीं कि जीव का कल्याण करे, और नाम वो किस दे दिया, बाबा को भाव अनगा भाव कु भाव अनगा नाम जपत मंगल दस हूँ। ये नाम की बात सुनी है, एक आदमी था वो कहते भाई राम राम करने वाले है ना, ऐसे राम राम करते है, कैसे करते ऐसे राम 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 राम, दूसरा कैसे करते है, तीसरा कैसे करते है, वो नकल करते करते भगत बन गया, भगत नाम मेरे सुना लग गया, कथा तो नकल निंदा नाम तीसरा जो वही कैसे करते है, दूसरा वे नाम तो आदमी तो बदलते रहते है, वे आकर सुनते है उठ कैसे करता है, वो रहेगी रहेगी ना भगत हो गया, भगत होगा उनका, तो भाव कुभाव अनखासो नाम जब तो मंगल दीजू, किसी तरह से भगवान में लग जाए किसी तरह से, अस्मात कहना पिपा ये न मन कृष्ण निवेशित, किसी उपाय में भगवान के नाम में लग जाए तो उद्धार हो जाता है। इस बात नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। राम न सकई नाम उदाई, गोस्वामी महाराज ने हद कर दी, राम जी खुद भी नाम की महिमा कह नहीं सकते, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ है नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है, पार है ही नहीं, तो किसी का पार है ही नहीं, उसका पार नहीं पावे तो वो असली जानकार है। राम जी नाम की महिमा को जानने वाले हैं, इस वास्ते वे इतनी नाम कह नहीं सकते, क्योंकि नाम की महिमा का पार नहीं है,